नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी अपडेट खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 को लेकर के मेरे मन में बिल लाते वक्त कुछ आशंकाएं थी। उन्होंने कहा कि ऊपरी सदन में जब मैं बिल पेश कर रहा था उस समय उनके मन में कुछ आशंकाएं थी और ऊपरी सदन में बिल को लेकर के मेरे को कन्फ्यूजन थी। राज्यसभा में लाने का फैसला उन्होंने किया और धारा 370 हटने के बाद निश्चित तौर पर कश्मीर का विकास होगा और आतंकवाद की समाप्ति होगी। उन्होंने ये बात साफ कही कि मैं यकीनी तौर पर मानता हूँ कि आर्टिकल 370 बहुत पहले हटना चाहिए था और अब इसको हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के नए रास्ते खुलेंगे। अमित शाह चेन्नई में एक पुस्तक का विमोचन करने आए थे और इसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये बात कही। दूसरी करते हैं मौसम विभाग की तरफ से आ रही खबर की। केरल कर्नाटक में 125 लोगों की अब तक मौसम के खराब चलने की वजह से बाढ़ और अतिवृष्टि की वजह से मौत हो चुकी है और उसके साथ ही केरल कर्नाटक महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर छत्तीसगढ़ राजस्थान जैसे कई राज्यों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 24 से 48 घंटे के बीच बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर के बता दें कि रविवार को भी पेट्रोल डीजल की दामों में कटौती लगातार दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 9 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, वहीं डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। कटौती के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.99 रुपये हो गया है जबकि डीजल 65.49 रुपये हो गए हैं। महानगरों में डीजल की बात अगर करें तो अलग अलग शहरों में कोलकाता में पेट्रोल 74.69 रुपये तो चेन्नई के अंदर पेट्रोल अब 74.78 रुपये बिक रहा है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर आतंकियों के गढ़ अनंतनाग पहुंचे अजीत डोभाल। ईद मंडी में जाकर की लोगों से बात। एनएसए सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वहां के लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए वहां के आम लोगों के बीच में जाकर के वहां बात कर रहे हैं। शनिवार को वह आतंकियों के गढ़ अनंतनाग पहुंचे जहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की। डोभाल ईद के मौके पर भेड़ों की मंडी में भी पहुंचे जहां पर उन्होंने भेड़ों के विक्रेताओं से बातचीत की। उसके साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया कि आने वाले समय जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी उज्जवल एवं सुरक्षित रहेगा और भारत सरकार उनकी आवश्यकता और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार उनके प्रति समर्पित रहेगी। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। बात करेंगे भारतीय राजनीति की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का फैसला अभी भी नहीं हो पाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 12 साल बाद फिर अपनी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। कांग्रेस की हुई CWC बैठक के अंदर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही किसी अध्यक्ष पद के चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को फिर से बना दिया गया है।